हाय दोस्तों, रानी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इमली चावल कैसे बनता है। इमली चावल साउथ इंडियन डिश है, बहुत ही टेस्टी और मजेदार डिश है। ये झटपट बन जाएगा और ये जो मसाला है वो कैसे बनता है वो भी मैं बताऊंगी, और चावल के साथ कैसे मिक्स करके इमली चावल बना लेते हैं वो भी बताऊंगी। मसाला बनाने के बाद में इसको फ्रिज में 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो 2 दिन से अधिक ये अच्छा टेस्ट नहीं रहेगा। इस तरह बना करके मसाले को रख दिए। अगर आप कहीं बाहर चले गए, आपको अर्जेंटली काम होगा या कहीं ऑफिस जा रहे हैं आप, आपको खाना बनाने में तकलीफ हो रही है, तो ये मसाले को बना करके स्टोर करके रख दीजिए और फटाफट चावल बनाइए, उसमें मिक्स करिए, इमली चावल रेडी हो जाएगा। तो आप लेके भी जा सकती हैं, खा के भी समझा सकती हैं, अपने बच्चों को खिला सकती हैं। बाई चांस आपके घर में कभी सब्जी की आवश्यकता नहीं है, सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा है या आज मैं सब्जी नहीं बनाऊंगी, मूड नहीं है, तो आप इमली चावल बना करके सबको परोस सकती हैं। और इस मसाले को जब हम स्टोर करके रख देते हैं तो कभी कभार बाई चांस आपको पसंद है तो टेस्ट करके देख लीजिएगा। रोटी पराठा या पूरी किसी के साथ भी थोड़ा सा इसको खा सकते हैं। तो आइए उसमें क्या क्या मसाला है और कैसे बनता है मैं बता रही हूँ, और हर एक मसाले को मैं अलग अलग भूनूंगी। ये मसाला जितना मैं डाल रही हूँ इतना रहने के बाद ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर कोई मसाला उपलब्ध नहीं है आपको तो टेस्ट में अंतर पड़ जाएगा। तो आइए दोस्तों कैसे बनाते हैं देखिए। आधा कटोरी तिल का तेल, 2 बड़ा चम्मच हल्दी, स्वादानुसार नमक, 2 बड़ा चम्मच तिल, 2 बड़ा चम्मच सरसों, 1.5 बड़ा चम्मच मेथी, 1/2 कटोरी करी पत्ता, 100 ग्राम मूंगफली, 1 कटोरी धनिया, 1 कटोरी लाल मिर्चा, 1 कटोरी चना का दाल, हींग, रिफाइंड ऑयल, गुड़ 50 ग्राम और काजू। ये 200 ग्राम इमली है जिसको मैं 4 घंटा पहले पानी में भिगा दी हूँ। भिगाने के बाद में इसको अच्छी तरह मैं निचोड़ूंगी। ये अच्छे से फूल गया है, इसको थोड़ा देर इस तरह से मसल देंगे। मसलने के बाद में थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसको इस तरह से छान लूंगे। आपके पास अगर छानने वाला ना हो तो आप हाथ से भी ऐसा ऐसा करके निकाल सकते हैं। इस तरह से सारा इमली निचोड़ ली हूँ। निचोड़ने के बाद में इस तरह रहेगा। कढ़ाई गैस पर रख दी हूँ, कढ़ाई गर्म हो गया है। इसमें मैं मूंगफली का दाना डाल करके, तो मूंगफली का दाना रोस्ट करेंगे, थोड़ा ही करना है, थोड़ा सा होने के बाद निकाल लूंगी। इसको थोड़ा सा ही इमली रोस्ट करके निकाली हूँ, रोस्ट करना मतलब भुनना। ऐसे ही सारे मसाले को एक एक करके मैं थोड़ा थोड़ा भून दूंगी। अभी धनिया भूनूंगी, इसको ज्यादा नहीं ब्राउन करना है। ज्यादा ब्राउन नहीं होना है, देखिए थोड़ा ब्राउन होना है। ध्यान रहे सारे मसाले को मैं अलग अलग ही भूनूंगी, ताकि ये धनिया थोड़ा देर लगता है, बाकी मसाला जल्दी भून जाएगा। ज्यादा लाल नहीं करना, देखिए थोड़ा सा ब्राउन हो गया, इसको मैं निकाल लूंगी। मेथी को भी भूनना है। मैं सारे मसाले को फूल आंच पे ही भूनूंगी, इसको भी थोड़ा सा ब्राउन करना है। देखिए ब्राउन हो गया, हमें इसको निकाल दूंगी। तिल को भी भूनना है। ध्यान रहे तिल ना भूनने समय में बहुत उड़ता है, इसलिए इसको मैं स्लो करके भून रही हूँ।
देखिए तेल उड़ने लगा इसका मतलब ये भून गया, इसको ज्यादा नहीं भूनना है। अभी मैं इसको निकाल दूंगी। भूनते समय तीनों मसाले अलग अलग भूने हो, लेकिन भूनने के बाद में एक ही साथ में डाल रही हूँ। इसमें धनिया थोड़ा देर लगता है भूनने में, तेल बहुत जल्दी हो जाता है, और मेथी भी ब्राउन हुआ बस निकाल देना। अभी आइए इसके बाद में तेल में वो जो लाल मिर्चा है ना उसको फ्राई करूंगी। अभी मैं कढ़ाई में तिल का तेल डाल दूंगी। तो गरम हो गया, इसमें मैं लाल मिर्चा को डाल दूंगी। लाल मिर्चा को मैं तेल में डाली हूँ और डंडे के साथ डाली हूँ। ये 2 मिनट में हो जाएगा। देखिए मिर्चा हो गया, ब्राउन हो गया अच्छी तरह तेल निकाल करके। ये जो भुना हुआ मसाला है इसी में मैं डालूंगी, ताकि ये सबको पीसना है। ये तेल में मैं चने की दाल डाल दूंगी और इसको थोड़ा देर चलाऊंगी। काजू डाल दूंगी, काजू के बाद में सरसों है, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता उड़ेगा इसलिए स्लो कर देना। अभी जो रोस्ट किया हुआ है मूंगफली है इसको भी डालेंगे। सबको डाल के मैं 1 मिनट चलाऊंगी, ताकि सारी चीज एक ही तरह में ब्राउन हो जाए। तिल का तेल मैं थोड़ा ही डाली थी इसलिए कि इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। और अभी मैं रिफाइंड का तेल डालूंगी, थोड़ा सा डालना है, 4 से 5 चम्मच इसमें अभी डाले हैं। अब ये ब्राउन हो गया, ये ज्यादा नहीं ब्राउन करना है। देखिए इस तरह ब्राउन करना है। तो ब्राउन होने के बाद में निचोड़ा हो इंग्लिश स्लो करके ही डालेंगे, धीरे धीरे चलाएंगे। अब ये इमली मिला दी और आंच को मैं फुल कर दूंगी। थोड़ा देर फुल करने के बाद में जब ये उबलने लगे तो स्लो कर दूंगा, तब तक मैं मसाले को पीस लूंगी। अब ये सारे मसाले को मैं दरदरा पीस लूंगी। दोस्तों ये ज्यादा दरदरा नहीं होना चाहिए और एकदम से नाइस भी नहीं होना चाहिए, नहीं सोने के थोड़ा सा पहले। देखिए मसाले इस तरह का होना चाहिए, देखिए ज्यादा दरदरा भी नहीं है, नाइस भी नहीं है। इमली को 5 मिनट में उबाली थी, इसको ढकी नहीं थी। अभी ये उड़ रहा है इसलिए मैं इसको स्लो करके 5 मिनट तक ढक दूंगी। 5 मिनट हो गया, इसको उठा करके मैं चलाऊंगी। हल्दी डाल दूंगी, हल्दी को अच्छी तरह मिलाना है। इसके बाद में मैं स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। मैं इसमें 3 बड़ा चम्मच नमक डाली हूँ। आपको जितना स्वाद चाहिए उसके अनुसार डालिएगा, इसमें कम थोड़ा ज्यादा ही डालना है, क्योंकि ये जब चावल में मिलाएंगे तो कम नमक लगेगा। ये 1 मिनट उबल गया, इसके बाद में मैं पीसा हुआ मसाला को डालूंगी। फिर जो है 50 ग्राम गुड़ है इसको डाल दूंगी और 1 चम्मच हींग डालूंगी। इसको अच्छी तरह मिलाना है। अच्छी तरह मिलाने के बाद में स्लो आंच करके मैं इसको 5 मिनट ढकूंगी। देखिए अच्छी तरह मिल गया। इसमें मैं 1 कटोरी रिफाइंड
तेल डालूंगी। ये तेल डालना जरूरी है क्योंकि ये जब मसाला रखेंगे 10 से 15 दिन तो तेल रहेगा तभी टिकेगा। ये तेल में ही पकना है इसलिए इस तेल को डाल करके और मैं ढकूंगी क्योंकि तेल डालने के बाद में ये बहुत ऊपर की तरह उड़ेगा। ढकने के बाद 5 मिनट तक अपने आप ये पकेगा, चलाना नहीं है। ये 5 मिनट हो गया, अभी देखिए ये इतना सारा उड़ा हुआ है, अभी भी ये उड़ेगा। तेल छोड़ दिया है, तेल छोड़ दिया इसका मतलब ये रेडी हो गया। अब मैं इसको ऑफ कर दूंगी, ऑफ करके अच्छी तरह चलाऊंगी। ये मसाला रेडी हो गया। अभी मैं ये मसाले को दूसरे बर्तन में रिमूव कर दूंगी। ये मसाला 4 से 5 घंटा बाहर ढक के रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद में इसको शीशे के बाटी में रख डाल करके और फ्रीज में रख देंगे। अभी मैं ये चावल को पहले से ही बनाकर ठंडा कर ली हूँ, एकदम चावल अलग अलग होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए। इसको मैं मसाले में डालूंगी, ये थोड़ा सा मसाला मैं कढ़ाई में रखी हूँ। चावल को डाल करके और अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। इडली चावल रेडी हो गया और उसका मसाला भी रेडी है। इडली चावल रेडी हो गया। ये साउथ के हर एक मंदिरों में प्रसाद के रूप में दिया जाता है। कहीं आप ट्रेन में जा रहे हैं या कहीं सफर कर रहे हैं तो इडली चावल बना करके आप ले जा सकते हैं। ये कम से कम 8 से 10 घंटों तक ये टिकता है, खराब नहीं होता है। और ये मसाला बना करके फ्रिज में कम से कम 20 दिन तक इसको रख सकते हैं। जब भी इडली चावल बनाना हो तो चावल बना करके प्लेट में निकाल करके उसको ठंडा करने के बाद में इसको मिला सकते हैं। अगर आपको ठंडा पसंद नहीं है तो गर्म चावल ही थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद में फ्रिज से निकाल करके तुरंत मसाला डाल मिला दीजिए। और नहीं तो आपको ठंडा नुकसान करता है तो आप मसाला को निकाल करके कढ़ाई में गर्म कर लीजिए और फिर इसमें मिला दीजिए। ये बहुत टेस्टी और टिकाऊ है। इसी तरह आप बनाइए, खाइए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।